हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और असम के लखीमपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। भारत माता की, भारत माता की, उमरिंग सुदुंग रेगाम, मोगो ने दाखिया छुईना, मोग ने छुईना। जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूं, वो डबल इंजन की सरकार के प्रति आपका ये उत्साह, आपका ये विश्वास चरम सीमा पर देख रहा हूं। मैं दूर दूर लोगों को देख रहा हूं, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और मैं उधर देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है वहां दूसरी पब्लिक मीटिंग चल रही है। उज्जवल लुई तरे पार, महाबाहो ब्रह्मपुत्र के कोने कोने को इन दोनों संत आत्माओं ने प्रकाशित किया है। बीजेपी सरकार का ये सौभाग्य है कि असम की संस्कृति को समृद्ध करने वाले इन महापुरुषों को, उस महापुरुषों की परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए, जन जन तक पहुंचाने का, बढ़ाने का हमें अवसर मिला है। कोरोना की मुश्किल परिस्थिति को जिस प्रकार यहां की सरकार ने संभाला है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस सेवा भाव से काम किया है, जिस प्रकार गरीब से गरीब की सहायता की है, ये संस्कार श्रीमंत शंकर देव की संत परंपरा से ही मिलते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के लंबे कालखंड में जिन सत्रों, जिन नाम घरों को अवैध कब्जाधारियों के हवाले किया गया था, उनको आज मुक्त किया गया है। ये हम सभी के लिए कितने कष्ट का कारण था कि बतादरवा थान उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। इन पवित्र स्थानों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में रस था, न हमारे सत्र बचाने में रस था। मैं असम सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने जमीन से जुड़े कानून में संशोधन करके बाड़पेटा, दखीनपट, पटे की बोरी ऐसे अनेक सत्रों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि बतादरवा थान में एक बड़ा संस्थान बने, श्री श्री माधव देव कला क्षेत्र के लिए भी काम किया जा रहा है, श्री माधव देव यूनिवर्सिटी के लिए काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है, शिव सागर को देश की पांच महान धरोहरों में शामिल करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यहां की कला, यहां का क्राफ्ट
संस्कृति से जुड़ी हर धरोहर को संजोने और संवारने के लिए काम किया जा रहा है। असम की शान काजीरंगा को भी कांग्रेस के पाले पोसे कब्जाधारियों से मुक्त किया गया है। घुसपैठ को रोकने के लिए डुबरी के बॉर्डर को सील किया जा चुका है। जो हिस्सा बाकी रह गया है उसको सील करने का काम तेज गति से चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब असम को हिंसा, आतंक, घुसपैठ, अराजकता और अवैध कब्जों से मुक्ति मिल रही है, आज जब असम में विकास के सेतु बन रहे हैं, आज जब असम में विश्वास के सेतु मजबूत हो रहे हैं, आप जब असम में अध्यात्म और आस्था के सेतु हमें नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तब असम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको जगाने आया हूं। कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। क्या ये आप होने देंगे? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, होने देंगे? ये होने देंगे? बर्बाद होने देंगे? आपकी संस्कृति परंपरा को नष्ट होने देंगे? यहां के जीवन प्रथा को नष्ट होने देंगे? भाइयों बहनों, जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में असम की सरकार की चाबी देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? जो दल असम के मूल निवासियों के साथ भेदभाव का प्रतीक रहा हो, कांग्रेस आज उसके हाथ में असम को सौंपने की बात कर रही है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी साथ ले सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी को धोखा भी दे सकती है। यहां लखीमपुर में जिन वामपंथियों, जिन लेफ्ट के लोगों के साथ कांग्रेस मिल रही है, इन्हीं वाम वालों को, इन्हीं लेफ्ट वालों को ये कांग्रेस वाले केरल में जाकर के गालियां दे रहे हैं। यहां दोस्ती कर रहे हैं, वहां कुश्ती कर रहे हैं। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाजूठ है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जिसका न विचार है न संस्कार है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जिसके पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की, लूट की गारंटी देता है। ऐसा महाजूठ जो हमारे सत्रों, नामगरों, अभ्यारण्यों में
अवैध कब्जे की गारंटी देता है। कांग्रेस का ऐसा महाजूठ जो अवैध शिकार की ओर करप्शन की गारंटी दे सकता है, ये कांग्रेस का एक ऐसा महाजूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। साथियों, कांग्रेस के विश्वासघात के सबसे बड़े पीड़ित असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं। दशकों तक कांग्रेस ने टी गार्डन्स में काम करने वाले साथियों के लिए कुछ नहीं किया। और एक बार फिर से रुक करते हैं असम के लखीमपुर, जहां प्रधानमंत्री रैली को कर रहे हैं संबोधित। वो भी जरूर अपना पक्का घर मिलेगा, ये मेरा सपना है। जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा, तब हिंदुस्तान का कोई गरीब पक्की छत के बिना नहीं होगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हर गरीब को अपनी पक्की छत मिले, किसी को भी घर के लिए तरसना न पड़े। विशेष रूप से जो टी गार्डन में रहने वाले हमारे साथी हैं, उन तक ये मूल सुविधाएं जल्द से जल्द और तेजी से पहुंचाई जाए, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भाइयों और बहनों, गांव में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने में हमारी डबल इंजन की सरकार दोगुनी शक्ति से काम कर रही है। 5 साल पहले तक असम में करीब 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था, यानी 70 साल में। याद रखोगे 70 साल में 13,000 किलोमीटर। बीते 5 साल में ही हमने इससे भी ज्यादा, यानी करीब 15,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें असम में बनाई। इसमें लखीमपुर जिले में ही लगभग 700 किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। इसी तरह असम में सैकड़ों किलोमीटर के नए हाईवे बने हैं, पुराने हाईवे का चौड़ीकरण किया गया है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में असम के नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र में भारत की ऑर्गेनिक उत्पाद में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों की बहुत डिमांड देश में भी है और दुनिया में भी है। लखीमपुर सहित ये पूरा क्षेत्र तो बाओ धान यानी लाल चावल के लिए मशहूर है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस चावल को देश और विदेश के बाजारों में बेहतर पैकेजिंग, बेहतर मार्केटिंग के लिए काम किया जा रहा है। यहां के धान किसानों को और सुविधा मिले, भंडारण की अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसी योजनाओं से भी यहां के किसान परिवारों को बहुत लाभ हो रहा है। ऐसी ही अनेक योजनाएं असम में बिना करप्शन के चलती रहे,
हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को इनका लाभ मिलता रहे, इसी भरोसे के साथ आपको भारी संख्या में बूथ पर पहुंचना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है और डबल इंजन की सरकार को मजबूत बनाना है। असम में फिर एक बार एनडीए सरकार, असम में फिर एक बार एनडीए सरकार, असम में फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी आग्रह के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।